हेलो दोस्तों, स्वागत करने के बाद फिर से आपका नया वीडियो में। जहाँ दोस्तों आज के वीडियो में बताएंगे आप किसी भी विंडोज के वर्जन का ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और उसका डायरेक्ट USB फ्लैश ड्राइव बना सकते हैं। वो चाहे कोई सा भी वर्जन हो, चाहे विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, जो भी हो, उसका मतलब आप डायरेक्ट डाउनलोड करके, ना कि थर्ड पार्टी ऐप से, आप विंडोज के ही सॉफ्टवेयर से उसका USB फ्लैश ड्राइव बना सकते हैं। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने USB को अपने कंप्यूटर से अटैच कर लेना होगा। USB से जो होता है, जैक होता है, वहाँ पे आपको लगा लेना है। लगाने के बाद देन इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है अपने PC या लैपटॉप को। उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद आपको क्रोम में जाना होगा या फिर कोई ब्राउजर जो यूज करते हैं आप उस पर चले जाना है। फिर वहाँ पे आपको सर्च करना होगा डाउनलोड विंडोज 10। यहाँ पे मैंने पहले से रिसेंट में है सर्च कर रखा था, तो रिसेंट में शो कर रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड विंडोज 10 सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा ब्राउजर ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे जो www.microsoft.com वाला जो ऑफिशियल साइट ऊपर शो करेगा, उसी वाले साइट पे आप डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज लिखा हुआ है ISO फाइल, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और इतना ध्यान रखिए माइक्रोसॉफ्ट की ही वेबसाइट होनी चाहिए जो कि वो ऑनर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा डाउनलोड टूल नाउ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन इमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे देखेंगे कि आपका डाउनलोड टूल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 18.6 MB का है। ठीक है, तो यहाँ कुछ ही देर में डाउनलोड हो जाएगा। ये आपके इंटरनेट के ऊपर है कितना देर में होता है, तो वेट कर लेते हैं जब तक ये डाउनलोड होता है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो टूल है वो डाउनलोड हो गया है। तो अब हम चले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट शो इन फोल्डर करते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप डाउनलोड से भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया शो इन फोल्डर करके। तो यहाँ पे देखेंगे मीडिया क्रिएशन टूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक करने के बाद हमारे सामने पॉपअप आता है एलो का। ठीक है, तो इसको यस करेंगे। ठीक है, यस करने के बाद हमारे सामने एक और पॉपअप आएगा जो विंडोज का होगा। विंडोज के बाद फिर एक पॉपअप आएगा, उसमें कुछ शर्तें होंगी, कुछ लिखा होगा, हम दिखा देते हैं। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और वेट कर लेते हैं जब तक वो आ रहा है पॉपअप। देखिए फाइनली आ गया हमारा पॉपअप। अब यहाँ पे कुछ बफरिंग कर रहा है, तो वेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये बफरिंग आपके नेट के ऊपर निर्भर है कि मतलब आपका नेट कितना तेज है या स्लो है। स्लो है तो स्लो ही होगा, अगर फास्ट है तो फास्ट होगा। और यहाँ पे कुछ ऐसा हमें पॉपअप आ जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, तो इसको स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप एक्सेप्ट ये कर दें। एक्सेप्ट करने के बाद फिर बफरिंग करेगा, तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अपग्रेड दिस PC नाउ पे क्लिक करके अपना PC जो है विंडोज है वो अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली हमें ये नहीं करना है, हमें क्योंकि ISO फाइल डाउनलोड करना है, तो हम क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखेंगे थोड़ा डार्क है, क्लिक नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो आप नीचे चेक मार्क देखेंगे, उसको अनचेक कर देंगे, फिर यहाँ पे आपका ये लैंग्वेज खुल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एडिशन दिख जाएगा, तो विंडोज 10 का एक ही एडिशन है इसलिए हमें एक ही शो कर रहा है, और यहाँ पे बीट जितने होंगे वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे 32 बीट और 64 बीट दोनों है, तो ठीक है, हम यहाँ पे अपने हिसाब से मतलब जो बीट चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि वीडियो में कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है इसलिए मैंने वीडियो को रिन्यू नहीं किया, वहीं से रिज्यूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सेम प्रोसेस में है, बस ये बीच में थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो आप सिंपली यहाँ तक आ जाएंगे पिछले वीडियो के मुताबिक, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि पहले वीडियो था ISO फाइल डाउनलोड करने वाला, जो कि आपके ड्राइव में डाउनलोड होगा। तो फाइनली अब यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो आपने उस वीडियो में चूज किया था ISO फाइल, ठीक है, तो यहाँ पे हमें चूज कर लेना है USB फ्लैश ड्राइव। और आपको ध्यान रहे कि आपको अपना ये USB फ्लैश ड्राइव चूज करने से पहले, नेक्स्ट करने से पहले, आपको अपना USB जो ड्राइव होता है उसको अपने कंप्यूटर से अटैच कर लेना है। जो USB होता है उसको लगा लेना है, जो कि कम 8 GB का हो। ठीक है, और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप 16 GB का लगाएं, 32 GB का लगाएं, ये अच्छा रहेगा, लेकिन 8 GB का रिकमेंड कर रहा है, तो आप यह यहाँ तक ही करें कि आप 16 GB का ही लगाएं, बेहतर रहेगा।
तो फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप यूएसबी ड्राइव लगाए रखे हैं तो कुछ इस प्रकार का शो करेगा, जो कि मैंने पहले से लगा रखा है तो इस प्रकार का शो कर रहा है, जो कि मेरा ड्राइव है, आप देख सकते हैं। और यह है, यह जो कि मैंने पहले से बूटेबल बना रखा है, तो इसको बनाऊँगा नहीं पूरा। तो यहाँ देखिए 32 GB का है, ठीक है। तो फाइनली अब बैग आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार का शो कर रहा है। तो हम फिर यहाँ पे भी नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते ही ये प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा और ये भी सेम उसी प्रकार से 100 तक जाएगा, और जो पिछला मेथड था सेम होने वाला है। तो आप कंफर्म अगर इसमें कोई इशू हो रहा है तो आप उस वाले वीडियो को देख लीजिए। मतलब बीच में थोड़ा सा यही चेंजिंग है कि आपको यूएसबी लगा लेना है और प्रोग्रेस तक का वेट करना है, बाकी सब सेम ही है। और ये प्रोग्रेस पूरे 100 तक जाएगा, यानी कि 100 तक जाएगा। और इसकी स्पीड डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे कि आपका इंटरनेट कितना तेज़ है। और ये 100 पे जाने पे ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा आईओएस 5 की जो डाउनलोडिंग है वो पूरी हो जाएगी। और देन हमें जहाँ नेक्स्ट शो कर रहा था वहाँ फिनिश शो कर देगा, और यहाँ ऊपर ही हमें जहाँ प्रोग्रेस है यहीं पे शो कर देगा कि आपका इस लोकेशन पे आईओएस फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो फाइनली दोस्त, इस प्रकार से आप अपना यूएसबी फ्लैश ड्राइव का आईओएस फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगा। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू हो रही है इसमें, इसको बूटेबल बनाने में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम क्रेजी माई पर्सनल मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइप होने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। थैंक्स, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।